रह जाड़ तो मार देंगे, खाल तेरी तार देंगे, कुत्ती देख तेरी हम शरीर तक उतार देंगे। बातों की गाणी क्यों बैन चोद रहा है, मैं पता कौन सी का यहाँ बैन चोद का है। गाइज गुड मॉर्निंग टू अनदर ब्लॉग, और आपको मिलवाते हैं हम अपने भाई बाबा ठाकुर रैपर बॉय। ये अपना भाई बाबा ठाकुर। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम सारे अनु भाई, सबको राम राम भाई। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। और ये अपना भाई। भाई आज मिला हूँ मैं विशाल से बहुत टाइम बाद, लगभग कितने टाइम हो गया भाई? जब से गया है मेरे हिसाब से, जब गया था ना दो ढाई महीने, युवराज का बर्थडे था शायद। हाँ दो ढाई महीने हो गए। दो ढाई महीने हो गए भाई, दो ढाई महीने बाद मिला हूँ भाई से, मिल गया आज, बहुत बढ़िया लगा। और यार भाई ने बढ़िया काम चालू कर रखा है, ब्लॉग बना रहा है भाई डेली, और भाई मैं देखता हूँ ब्लॉग बढ़िया लगते हैं भाई। तुम लोग भी देखो, शेयर करो, सपोर्ट करो यार जितना हो सकता है, बंदा बहुत मेहनत कर रहा है भाई। वो तो चल होती। मैं कह रहा था बाबा कब आया था भाई? हम आए थे कल रात। कल रात कितने बजे? मैं पहुंच गया था लगभग 8-9 बजे करीब। अच्छा, यहाँ चंदोसी अच्छा। आ गया था, मतलब घर चंदोसी तो 7 बजे आ गया था, घर पहुंचे 8-9 बजे। तो अब ये बता गाना कब आ रहा है अपना? हाँ भाई गाना, गाने का अपडेट देता हूँ भाई, गाना आ रहा है बहुत जल्दी। गाने का नाम है याद, और पंजाबी सॉन्ग है जिसमें लव स्टोरी दिखा रखी है, जिसमें सैड भी है। मतलब एक फेज होता है कि लड़की पास में भी है वाला फेज है, और लड़की दूर भी जा चुकी है, तो अब मैं उसको बुला रहा हूँ, उसकी याद आ रही है, तो एक वो फेज है। गाना भाई मैंने सुना है। भाई मैंने सुना यार, एक नंबर, एक नंबर यार, याद हो गया मुझे गाना। अरे मेरा याद गाना याद हो गया भाई। भाई आएगा सब सुनना, सबको याद होगा जल्दी यार। करते हैं वीडियो वीडियो भाई, आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर में भी। मेरा भाई अभी चलाते हैं, अभी मेरा भाई सुना देगा थोड़ी बात लाइन तो। और भाई फुल प्यार एकदम धुआं उठा देगा। अरे बहुत तगड़ा वाला यार। चंदोसी अब यहीं रहूंगा भाई, 4 महीने के लिए गया हुआ था मैं गाजियाबाद भाई, पर शूटिंग वो शूटिंग कर रहा हूँ सर, स्टूडियो में था। अब वीडियो बनाएंगे विशाल भाई के साथ, ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग चलते रहेगा भाई हमारा। फुल बकचोदी एंड फुल मजा। हाँ फुल बदमाशी, सब कुछ भाई, सब कुछ मिलेगा, एंटरटेनमेंट हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी भाई, सारे अपडेट मिलेंगे बंदों की जिंदगी में होता क्या होता क्या भाई, हमारी लाइफ में क्या चलता, कुछ छुपाएंगे नहीं भाई। ब्लॉग में हर वो चीज दिखाई जाएगी जो कोई बंदा नहीं दिखाता, नहीं दिखाता हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा भाई। आई हम सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो वही याद वाला गाना सुनाएंगे आपके लिए, बीट मार देंगे, खाल तेरी ताल देंगे, गुद्दी देख तेरी हम शरीर तक उतार देंगे, बातों की गणी तो बहन चोद रहा है, गोड़ सीखा है बहन चोद का है, समझ लिया, समझे भाई, इसलिए बोला था हेडफोन लगा लो, बाकी नंबर ये भी प्ले कर देंगे, अभी कोई दिक्कत ना है। सुनना भाई बहुत तगड़ा गाना आने वाला, बहुत तगड़ा भाई। अरे बस आग लग जाएगी, पूरी तारीफ भाई करके आग लग जाएगी, आग और कुछ जलने वाले और जलने वाले तो राख हो जाएंगे मेरे भाई। सिस्टम रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा मेरे भाई। तो भाई गाना सुन लो भाई हमारे भाई का। हाँ भाई सुनाऊं फिर? सुनाओ भाई गाना, सुनाओ भाई यार। चलो भाई ऑन कर दिया। हाँ भाई ऑन है, गाना सुनो भाई का, थोड़ा सा क्लिप सुनाते हैं थोड़ी सी। तेनू जद साडे तेरी याद आउंदी है, अखां च अखां च बरसात आउंदी है, लम्मियां सी जद यादा वाली रात आउंदी है, दस कुड़िये नी तेनू मेरी याद आउंदी है। तेनू जद साडे तेरी याद आउंदी है, अखां च अखां च बरसात आउंदी है, लम्मियां सी जद यादा वाली रात आउंदी है। आपको अगर गाना सही लगा हो ना तो बताओ, तो बताना जरूर यार। इसके रैप सुनो, इस गाने का सुनो। उठ दिया जब तू पास मेरे आई, फिर देखा मुझे थोड़ा सा तू शर्माई, बातों में लगी अपन मिलने लगे, ना जाने कब हुए हम इतने लगे, आप तेरे बिना मुझे रहा भी न जाए, कोई कह देता कि उससे वो पास मेरे आई, किसी आपको करे शाम मुझे करना है दोबारा, मुझे उसने सुधारा मुझे उसने बिगाड़। तो भाई यार गाना यार ये भाई लड़के यार ऐसा बोले भीख तो नहीं मांग रहे, पर यार खुद अपना एक होगा अपना खुद का मेहनत का, मेहनत का खाएगा सुनना पड़ेगा ब्रो गाना, तुम सुनोगे खुद ही सुनोगे यार, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, तुम नहीं सुनना चाहोगे तो शादियों में बजेंगे ब्रो, बर्थडे पार्टी में बजेंगे तब भाई मजा आएगा कुछ नहीं। यार किसकी कॉल आ रही है, रुक जा बात करते हैं कॉल। हाँ जी कौन भाई?
अच्छा हाँ भाई बताओ, एक हमारे दोस्त की कॉल आई है जरा तो, सुनाओ। हाँ हम सिस्टम के पास बैठे हैं और कौन सिस्टम? विशाल भाई सिस्टम, ब्लॉग चल रहा है इस समय और ब्लॉग पे ही हम तुमसे बात कर रहे हैं। कौन कौन है भाई? मैं और विशाल भाई हैं। कौन है ये? करण है। करण क्या हाल है मेरे भाई? करण अरे क्या हाल है, बढ़िया है। बढ़िया मेरे भाई बढ़िया। और सब बताओ बताओ, कहाँ पर है? मैं यार टॉयलेट पर भी आया आज। अच्छा युवराज भाई कहाँ है? युवराज पता ना कहाँ है यार। चलो कोई नहीं, और कब आओगे? अरे नहीं। अच्छा चल ठीक है, ये बढ़िया करा तूने करण, तेरी आइडिया है। करण और सैम करण जो बोलते हैं, करण कुंजा। ठीक है भाई बाद में बात करेंगे। नंगा ये पूरा ये इनने अपनी बेइज्जती खुद करा ली, ये जरूर डालना है। डालेंगे भाई, इसे डालेंगे। और भाई अब चलते हैं जरा बाहर घूम के आते हैं। आओ चलो यार बाहर चलते हैं थोड़ा ना। और ठीक है भाई ये उठा लो। तो गाइस हमारे विशाल भाई के दोस्त हैं ऊपर भोग रहे हैं और ये हमारा भाई गाड़ी साफ कर रहा है। अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर, थोड़ा आपको बाहर घुमाएंगे और पहुंचते बाहर फिर। तो भाई मैं विशाल भाई के कुत्ते को चाय के संग खा जाऊंगा क्योंकि कुत्ते का नाम ओरियो है। देखो इसका नाम पता हमारे ड्राइवर ने करा था। क्या मारो अबे भाई ये सही में। तो भाई ऐसी ऐसी वक्त होती आंटी जी नहीं है ऊपर। चलो ठीक है दिखाते हैं फिर है। और ये हमारे विशाल भाई गाड़ी निकाल रहे हैं। गाड़ी पे आप नेम प्लेट चेक कर सकते हो, हिंदू है भाई, कट्टर हिंदू है भाई, हिंदू नहीं है कट्टर हिंदू है। और भाई ये हमारे भाई की हवेली भी देख लो, दिखाइए तूने एक वीडियो में क्या भाई। तो भाई ये भाई की हवेली है और ये भाई की रानी है। और ये पूरे घर वालों को दिखाऊंगा उसमें से कि मेरे बाप ये, मेरी माँ ये, मेरे भाई ये, मेरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो हो लेकिन असली वाले प्रधान जी दिखाओगे फिर तुम्हें। बढ़िया बढ़िया। तो भाई अब वैसे तो तुमने ब्लॉग में देखा ही होगा गाड़ी के आगे भी राव लिख रहा है। तो भाई चले फिर अब। हाँ भाई चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो अपने घर की तरफ ही खड़ा था। ये निगरमन सिंह हॉस्पिटल है, ये लिखा हुआ बोर्ड। और शरद गया जा रहा अभी किसी से मिलने, आ रहा होगा थोड़ी देर में। उसके बाद जाके ज़रा एयरपोर्ट दे दिए ज़रा यार, तो चक्कर में यार थोड़ा मार्केट में जाएंगे अंदर, उसके बाद देखते हैं कौन सी अच्छी है। आ गया हमारा भाई और तो भाई वो आ गया। देखो शरद ये आ रहा सामने, ये मिल के आया किसी से लेकिन नाम नहीं बताएंगे किससे मिल के आया, बस मिल के आया बात। हाँ भाई जरा थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी, वो शॉर्ट आउट करके आया हूँ। चले विशाल भाई, चलो चलते हैं फिर। तो भाई अब हमने जितनी मस्ती करनी थी हमने कर ली है। ये भाई हैं अपने और ये विशाल भाई हैं और अब हम जा रहे हैं वीडियो बनाने, वीडियो शूट करने जाते हैं। अब देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे क्या रहेगा। विशाल भाई आपको सब दिखाते रहेंगे। आगे हमारा सिपाही चलानी है, वो भी कह रहा देख रही है उसे भी। सिपाही कौन? सिपाही। अच्छा सिपाही। अच्छा हाँ भाई गुटकेबाज आदमी। गुटकेबाज आदमी कह रहा छोड़ दिया है, कह रहा भाई अब मैं छोड़ूंगा। बात खराब हो रही है चंदोजी में। वो हमारी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि हम उसकी बेइज्जती या फिर कुछ कर रहे हैं, उसे इस चक्कर में करना पड़ा मुझे वो काम जिससे उसे सीख मिले गुटका खाना, ताकि वो छोड़ दे। छोड़ दे वो। हाँ। और आप लोगों को थोड़ा सा फन मिल जाए। आप लोगों को फन मिल गया। सी आई नहीं आई। हाँ। बस आई नहीं आई। हम चाहते हैं भाई आप हंसो, खुश रहो, खुश रहो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो भाई हम लोग वीडियो शूट करके आ रहे थे अभी और हमारी वीडियो शूट हो गई लेकिन हम बना नहीं पाए वीडियो क्योंकि मेरा फोन ऑफ हो गया। और ये हमारे शिव भाई चल रहे हैं, भाई ने वीडियो बनवाई अपनी बढ़िया करके। और ये विशाल भाई हैं हमारे भाई। अब हम आ चुके हैं सुकून पर। ये हमारा भाई बाबा ठाकुर और सनकी हमारा भाई हिमांशु, सनकी नाम हमने रखा है, वैसा नाम है हिमांशु हमारे भाई का।
यवाना भाई पंडित, इसका नाम वैसे निर्भय है, हम पंडित कहते हैं। यवाना भाई पंडित, इसका नाम ये निर्भय नाम है, ओ निर्भय कह रहा हूँ, उसका नाम नैतिक है। और ये हमारा भाई जोशी, छोटा भाई हमारा, उसका नाम सागर है। और ये हमारा भाई शिव भाई, इसे जानते ही होंगे यार, और हम तो हमें तो जानते ही हो। चार दिता मार देंगे, खाल तेरी ताड़ देंगे, खुद ही देख तेरी हम शरीर तक उतार देंगे, बातों की घड़ी। जो बैंक चोद रहा है, या बैंक चोदता है, थाने तक मारेंगे, सिस्टम भी फाड़ेंगे, लोडेड तमंचा बीट सी बजा देंगे, जितने हो जा खाली सारी भीड़ सी लगा देंगे। हम जरा गेड़िया मारने के लिए, गेड़िया मारने के लिए चलते हैं, मारते हैं भाई, मजे लेते हैं, थोड़ा मौज काटते हैं। और अब बताओ यार, अभी हुआ क्या था यहाँ पे? अभी यहाँ पर भाई गाय लड़ाई हो गई, मैं तो मैं सूट नहीं कर पाया था, पर्सनल मैटर था, चक्कर में सूट नहीं कर पाया भाई, लड़ाई हो गई थी, वरना भाई यहाँ से पूरी आँख फट गई, यहाँ से जैसे ज्वाला बीच है तेरा, यहाँ से फट गई पूरी आँख भाई, बहुत कड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत कड़ी, बस ले नहीं सकता उससे सूट में, वरना फिर यार थोड़ा चलते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम सीधे, हम तेरे से बाद में मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। जब फिर आ गए नितिन भाई के ठेले पे, आज हमारा बाबा भाई, अब हम लोग आ गए हैं कुछ खाने, थोड़ी सी पेट पूजा, फिर उसके बाद बनाएंगे ब्लॉग, कि आपको थोड़ा पेट पूजा हो जाए, क्यों मेरे भाई? हाँ भाई बिल्कुल, भूख लग रही है यार, तो अब खा पी के फिर चलते हैं गेड़िया मारने, पहले कुछ खा लेते हैं यार बढ़िया करके। ऐसे कॉल आ चुकी है, मैं बात करके आ रहा हूं, हमारा शिव भाई नितिन, अबे नितिन क्या हाल है? बढ़िया, एक नंबर। तो भाई एक काम कर, चाउमीन लगा दे और चाहा एक बर्गर, तो गाइस खा लो चाप, और ये बाबा ठाकुर खाते हुए चाउमीन इनने खा ली, मैंने तो खाई ली यार। तो अब चल दिए भाई हम रामबाग की साइड, रामबाग पर आए थे निर्भय और नैतिक, वहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा, हम पहुँच रहे हैं, हम थोड़ा ज़रा खाने पीने रुक गए थे, चक्कर में वहाँ पर लेट हो गए हम। हाँ तो सिद्ध भाई क्या कर रहे हो आप? टट्टी वट्टी कर रहा, क्या कर रहा है यार? कौन है छोटा भैया? छोटा भैया है सिद्ध भाई, छोटा भैया? हाँ यार, मैं बैठा था आज तो मैं सोच रहा था, कुछ बात जैसी जैसी की होती है ना, अंदर से दिल में बात आई, और मैं खुद अपने आप से एक तरीके से बात कर रहा था ना, तो एक मन में मेरी बात आई कि ना मेरे पे और ना तेरे जैसों पे मानस मरता है ना, तो सिर्फ पैसों पे, बस समझे। तो यार मेरा कहने का मतलब ये है कि यार सब कुछ पैसा है भाई। विशाल भाई ने ना बहुत गहरी बात कह दी कि ना मेरे पे ना तेरे जैसों पे मानस मरता है तो केवल पैसों पे। भाई मैं पता है, मैं जानता हूँ ये वाली फीलिंग, और मेरे जितने भाई बैठे हैं, विशाल भाई बैठे हैं, और ये शिव भाई बैठे हैं, और अपना भाई बैठा है, हर बंदे के साथ एक लाइफ में ना इंसिडेंट होता है यार, जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना तो भाई हमारे पास कोई नहीं आता। और सच बता रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं चीज़ फील करी होगी कि आपकी जेब में जब पैसा है ना तो हर बंदा पूछता कि भाई तू कैसा है, ठीक है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कमाते भाई, आपको कोई ज़िंदगी भर खिला नहीं सकता, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपके पास एक है ना, समझ रहे हो, तो देने वाला मिल जाएगा, लाख है तो लाख देने वाला मिलेगा, और अगर आप खाक हो तो खाक कोई देने वाला नहीं मिलता मेरे भाई। ये बात ठीक है, ये बात विशाल भाई ने बहुत बड़ी बात बोली थी, क्योंकि इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। देखो मैं ब्लॉगिंग पे वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता पर्सनली, ठीक है, कि विशाल भाई की और मेरे बीच में, हम लोग के बीच में जो बात हुई थी कि वो नहीं बता सकता भाई, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा। भाई ने मेरे को एक चीज़ बताई, और यार उस चीज़ से यार मुझे भी फील हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, आप सबके भी साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, क्या कि भाई इनके साथ एक टाइम था कि जब भाई जेब में 10 रुपये नहीं थे ना तो 10 देने वाला कोई भी नहीं था, और आज लाख है तो लाख देने वाले भी लाख है, समझ रहे हो। तो यार मेरे भाई बस इतना सा मोटिव है हमारा, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, इज्जत होगी, अगर आपको कुछ नहीं करना ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं पूछेगा भाई, कोई भी नहीं। देखो ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में ना, हमारे साथ एक चीज़ होती है कि इन फ्यूचर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमारे साथ कोई खुदा ना करे कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, हमारे साथ कोई बुरी चीज़ हो जाए, और भाई हमें ज़रूरत पड़ रही है पैसों से ही नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ भाईचारा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मेरे भाई ऐसे हैं कि कल को ना मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो ये मेरे साथ खड़े हैं, पूरा ज़माना ऐसा है क्या? नहीं यार, पूरा ज़माना ऐसा नहीं है भाई, अगर आप कुछ भी नहीं हो
तो ठीक है भाई, सड़ते रह जाओगे, बढ़ते रह जाओगे, गल जाओगे, पूछ नहीं आने का भाई कोई। और पता है विशाल भाई के अंदर एक बात है जो बढ़िया लगी, घमंड नहीं है। पता है सिकंदर से पूछ लो भाई जाके, कहाँ है आजकल? बहुत बड़ी हस्ती था अपने आप में सिकंदर, कहाँ है आजकल? शमशान में। हर बंदा कोई कितना भी घमंड रखता हो, कितना भी पैसा रखता हो, कितनी भी पावर रखता हो, या तो जल जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, समझ रहे हो मेरे भाई? तो बस भाई, लेकिन हाँ जब तक तुम्हारी जिंदगी है ना वो पैसा ही यार। लेकिन हाँ ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक बात पहले भी कही थी आप लोगों से, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस वाले ब्लॉग में, आपने देखना पिछला ब्लॉग, 3-4 दिन पुराना ब्लॉग है वो, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि हमने भी कुछ अपने यार ऐसे कमाए हैं ना, कुछ यार ऐसे होते हैं कि घर जैसे, जैसे घर वाले होते हैं ना, जैसे भाई बहन माँ बाप, कुछ यार सबके नहीं कहना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं यार कि वो घर की तरह होते हैं। चाहे वैसे पैसे साथ नहीं सकते ना, लेकिन तुम्हारे दुख में पैसे से नहीं होंगे पर साथ होंगे यार। विशाल भाई की इस बात से ना एक बड़ी फेमस बात है वो याद आई है, सबने सुनी होगी, हर रिश्ता होता है बट केवल एक ऐसा रिश्ता होता है ना दोस्ती का, जिसके आगे बेस्ट लगता है भाई। किसी रिश्ते के आगे बेस्ट ब्रदर नहीं लगता, आप बोल दो लिख दो वो बात अलग है, बेस्ट लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड, समझ रहे हो, बेस्ट फ्रेंड यार खास। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास है ठीक है, दो बंदे चार बंदे उनके पास है, उनके दोस्त हैं ठीक है, जो उनके लिए हर चीज करने को तैयार है, हर बंदे के पास ऐसा बंदा नहीं होता। फिर एंड में जो मैं एक यार है ना जो बचता है, वो पता क्या है मेरा भाई, केवल पैसा, पैसा है तो सब कुछ बढ़िया है, पैसा नहीं है तो कुछ भी बढ़िया है। वही 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 बात है, पैसा कमाओ मौज काटो ठीक है भाई। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड, और भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाई को प्यार करो, सपोर्ट करो, जितना हो सकता है भाई वीडियो को फैला दो ठीक है। अब मेरा मोटिव ये नहीं है कि ब्लॉग से मैं पैसा कमाऊं या फिर ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ नहीं। एक मैं पता है आज यहाँ बैठा हूँ, आज सराज है मैं, हम साथ बैठे हैं, मैं जब ऐसा नहीं है भाई भगवान, मतलब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूं मर जाऊं, मतलब वक्त की कुछ नहीं पता कब क्या क्या होना है क्या नहीं ठीक है। मैं बस इस चक्कर में ब्लॉग बना रहा हूं कि एक याद रहती है हम सबकी, अगर मैं बूढ़ा हो गया मतलब अरे एक तरीके से मेरी शादी होगी, मैं बूढ़ा होऊंगा भाई अगर जिंदगी रही तो मैं देखूंगा इन चीज़ों को, इनको पल को, जो मेरे मूवमेंट है ना ये वाले मैं नहीं देखा करूंगा ना वीडियो के माध्यम से, ये ब्लॉग पर हमेशा रहेंगे यार, तो मैंने देखा करूंगा कि यार हमने क्या क्या करा था और क्या क्या नहीं, ये क्या दिन थे और क्या नहीं। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था अपने उस लक्ष्य पर फोकस करो, किसी की बातों में मत आओ, समझ रहे हो, बस अपने उस एम को ना, उस एम को सब कुछ मान लो, तुम जिंदगी में कुछ कर जाओगे यार। मेरा मानना ये है, सबका मानना ही होता भाई, मैं कह रहा हूँ मेरा क्या सबका मानना ही होता, अगर तुम अपने अगर एम पे फोकस कर रहे हो ना तो तुम पार हो जाओगे। जैसे एक नाव होती है, नाव क्या होती है पानी में तैरती है कि मुझे उस पार जाना है, और तुम उस पार उसे चलाते रहोगे तो तुम पहुँच जाओगे, तो पहुँच जाओगे। अगर तुम सोचोगे अरे नहीं यार रुक गए तो तुम बीच में रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम उसे पार करो पूरा, तभी तुम बच जाओगे और तभी तुम कुछ कर जाओगे। बस मेरा भाई यही कह रहा था, बाकी भाई सबकी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ है, तुम जो कहोगे तुम देखो, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रहा ना तुम मेरी लाइफ में आ रहे यार, तुम अपनी मर्जी चलाओगे मैं अपनी करूँगा भाई, ना मैं तुम्हारी लाइफ में जानने आ रहा, ये मत सोचना कि घमंड या कुछ भी, मतलब मैं बता रहा हूँ एक बात ना, तुम देखो मैं तुम्हारी लाइफ में आके ये नहीं कह सकता कि भाई तू ये कर ले, जो तुम्हारा मन करेगा वही करोगे यार, सही है, नहीं तुम कहोगे कि विशाल ऐसा कर ले तो भाई जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, समझ रहे हो। तो भाई बस यही मेरा कहना है, अपने मन की सुन के, लेकिन अच्छा बुरा नहीं, देखो किसी का बुरा मत चाहो, कर्मा हिट्स बैक। वो कहा है ना एक वो पुराना एक भजन टाइप है कोई सा, उसमें एक लाइन बोली थी ना, वो लाइन बड़ी प्यारी लगती है, क्या कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, कितना तो यार बस यही है, अपना करो किसी को बुरा ही मत करो, ना तुम्हारा बुरा होगा यार, सबके लिए अच्छा सोचो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान देखो सब कुछ देखता सब कुछ करता, मजे लो जिंदगी के, मौज काटो, सही है भाई। नहीं था आज का, बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में लाइव कुछ नया दिखाते हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में क्या नहीं चल रहा है ठीक है, और बस सपोर्ट करो मेरे भाई को यार, सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।